हम आपको बता रहे हैं लंच से पहले अब तक के कुछ अपडेट्स। कुछ मिनटों में आपको बताएंगे देश दुनिया की अब तक की बड़ी खबरें। देश के अलग अलग राज्यों में इनकम टैक्स विभाग ने दबिश दी है। 100 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी ने छापा मारा है। ये कार्रवाई मिड डे मील में कमाई, पॉलिटिकल फंडिंग में टैक्स चोरी और शराब घोटालों के सिलसिले में की गई है। राजस्थान में मंत्री के ठिकानों पर टीम ने रेड की। इसके साथ ही दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड समेत 7 राज्यों में आईटी के छापे अभी जारी हैं। ईडी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व चेयरमैन रवि नारायण को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी अवैध फोन टैपिंग और को लोकेशन स्कैम में की गई है। खबरों की माने तो रवि नारायण ईडी को जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। एजेंसी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो पहुंचे ही नहीं। नारायण 1993 से 2014 के दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कई पदों पर रहे। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान शिंदे गुट के वकील ने कहा कि पार्टी सिंबल का मामला है, चुनाव आयोग को फैसला लेने दें, जिसका उद्धव गुट ने विरोध किया। उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर शिंदे को शिवसेना का निशान मिल गया तो सुनवाई व्यर्थ हो जाएगी। अब कोर्ट में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आज हो रही है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर पहुंचे। यहां उन्होंने अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। यहां से राहुल गांधी कन्याकुमारी पहुंचेंगे। यात्रा शुरू होने से पहले राहुल गांधी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तिरुवल्लुवर स्टैच्यू और कामराज मेमोरियल भी जाएंगे। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।